हाय हेलो नमस्कार, मैं आकांक्षा मिश्रा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप और आपका परिवार सुरक्षित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आज देश में जो 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े आए हैं वो 83,000 के ऊपर आए हैं। तो ऐसे में आप सभी लोगों को अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और पूरी कोशिश करिए कि अगर आप किसी काम से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क, सैनिटाइज़र और ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करते रहिए समय समय पर, और जितना ज़्यादा हो सके तो रात में सोते वक्त गर्म दूध में हल्दी डालकर ज़रूर पीजिए। क्योंकि अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है कि हम कितना अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, किन चीज़ों से सुरक्षित रख सकते हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग अपना पूरा ख्याल रखिए। हालांकि डॉक्टर्स भी अब कह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस की जो शुरुआत में जो क्षमता थी वो कम हो चुकी, कमज़ोर पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी इससे हमें बचने की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। हालांकि अगर मैं कानपुर की बात करती तो कानपुर में डॉक्टर्स मरीजों को सही से देख तक नहीं रहे हैं। जो गणेश शंकर विद्यार्थी में जो बच्चे सीख रहे हैं उनको ही लगाया जा रहा है इनको देखभाल के लिए। तो आप खुद सोचिए कि जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर की, उनको क्या पता कि इस गंभीर बीमारी से कैसे लड़ना है। तो ऐसे में आप सभी लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, पूरी कोशिश करिए कि अगर थोड़ा सा भी जुकाम हुआ है तो तुरंत स्टीम लीजिए। हालाँकि और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि घर पर रहिए, बाहर बेवजह मत निकलिए। अगर बाहर निकले भी हैं घर पर आकर के तुरंत कपड़े चेंज करिए और तुरंत साबुन से हाथ धोइए। इसलिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए क्योंकि अब ये आंकड़े बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और हर जगह देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे करीबी होते हैं, अगर उन किसी को होता भी है तो ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि या तो उसको इतना ज़्यादा कोरोना वायरस फैल चुका है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है, डॉक्टर वहाँ देखभाल नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशन हो चुकी है। काम का क्या है, काम तो चल रहा है धीरे धीरे, जो लोग काम कर रहे हैं काम से रिलेटेड बाहर निकल रहे हैं, दफ्तर जाते हैं या फिर किसी भी चीज़ के लिए किसी भी काम को लेकर के बाहर निकल रहे हैं। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग घर पर आइए तो अपने आप को सबसे पहले कपड़े बदलिए और ख़ुद को पूरा सुरक्षित रखिए। थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है सिम्टम्स कि हाँ थोड़ा सा लग रहा है, गले में कुछ खराशी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो पूरी कोशिश करिए तुरंत डॉक्टर को दिखाइए और अपना इलाज शुरू कर दीजिए। थैंक यू। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।